अरे धीरे बोलो तुम भी पुलिस बुला लो आजादी, तुम पुलिस बुला लो आजादी, तुम लाठी मारो आजादी, तुम लाठी मारो आजादी, हम नहीं झुकेंगे आजादी, हम नहीं झुकेंगे आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी, हम नहीं झुकेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। अरे तुम भी बोलो आजादी, तुम भी बोलो आजादी, अरे मैं भी बोलूं आजादी, अरे तुम भी बोलो आजादी, अरे मैं भी बोलूं। कुछ नजर पेश करेंगे एनआरसी से मुतालिक, ये बारहवीं के स्टूडेंट है और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपनी नजर होने से ही होता है। हाँ भाई हंसो मत, मजाक मस्ती मत करो, बस थोड़ा सीरियस मैटर करो। हम लोगों को बहुत बुरा लगा कि किस तरीके से गुंडागर्दी कर रखी है इन लोगों ने कैंपस में, हम लोगों को बहुत गलत लगा। हम आ गए, हम लोगों ने सोचा लेकिन जाकर केवल एक कैंडल लाइट कर लेने से शायद शाम नहीं बनेगी। हमें जो मुंबई के आम छात्र हैं, आम लोग हैं, उनसे कुछ चर्चा करनी पड़ेगी और ऐसी जगह पे चर्चा करनी पड़ेगी जहां पे सब आप हैं। तो हमने कहा कि चाहेंगी इस प्रोटेस्ट को लेकर के, क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग आज? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मोदी बिकॉज हिज डिविसिव पॉलिसी हैज यूनाइटेड द ऑल नेशन, वेदर बी हिंदू मुस्लिम सिख एनीबॉडी एल्स, ठीक है? सो बिकॉज गॉड इज द बेस्ट ऑफ प्लानर, ही वुड नॉट ही ट्राइड टू डिवाइड अस बट अल्हम्दुलिल्लाह प्रेज टू गॉड दैट ही यूनाइटेड अस ऑल, ही मींस गॉड यूनाइटेड अस ऑल, ठीक है? दैट्स व्हाट आई वांट। ठीक है बोलो, सीए भी वो चीज है, सिटीजन अमेंडमेंट सीए हो चुका है, हाँ सीए हो चुका है, ठीक है? सीए जो है उसमें वो बताया जा रहा है कि हमें नागरिक जैसे हम यहाँ पे रहे तो हमें अपना लीगल प्रूफ देना पड़ेगा कि हम यहाँ के बिलोंग करते हैं, बट उनका क्या जो दादा परदादा मर गए वो तो प्रूफ दे के तो नहीं मरे है ना सर, इसीलिए वो प्रूफ देने के लिए सी ए बी है और एनआरसी ये चीज है जिससे अगर जिसने बिल नहीं दिया है वो उस चीज में शिफ्ट हो जाए। नागरिकता कॉलेज आई एम डूइंग करेंटली बी एड एंड प्रोटेस्ट में आने का मिशन यही था कि जो कुछ भी हो रहा है आज गवर्नमेंट में वो बहुत अगेंस्ट है ह्यूमैनिटी के खिलाफ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। और ये कहना चाहूंगी वेरी मच थैंकफुल टू मोदी गवर्नमेंट दैट उन्होंने हमारे अंदर के पेट्रियोटिज्म को और उजागर किया है एंड स्मॉल स्मॉल स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आई लव इंडिया इतना पता था उन्हें भी बहुत कुछ गवर्नमेंट के बारे में पता चल चुका है एंड आई होप दिस टाइप ऑफ प्रोटेस्ट इज गोइंग टू ब्रिंग ए चेंज श्योरली। थैंक यू। कौन से कॉलेज से आप? भारतीय विद्यापीठ डेंटल कॉलेज, दैट इज इन पारगर। ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है, किन मुद्दों पर हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? जो वायलेंस जेएनयू में देखा गया था अभी कुछ टाइम पहले उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बेसिकली जो युवा पीढ़ी है उसको ललकारा जा रहा है कि आपको तो हम दबाते रहेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन कोशिश उनकी जारी है, युवा पीढ़ी सब पे भारी है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखिए जहाँ तक ये सब चल रहा है जब तक सीए वापस नहीं हो जाता, एनआरसी नहीं हो जाता, एजुकेशन
भोजन के लिए आपने बुला था, जो ये है ये खत्म हो जाएगा।